नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज के सुर्खियों से। गजराजों के आतंक से तबाह हुए लोगों को मिली राहत, वन विभाग कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर पीड़ितों को प्रदान किया गया चेक। सदर विधायक के हाथों तीर टार के 42 पीड़ितों को दिया गया चेक। हाथियों के कहर से बचाव की भी बनी रणनीति। कांग्रेस भवन में युवा कांग्रेस ने आयोजित किया कार्यक्रम, सैकड़ों लोगों ने थामा पार्टी का दामन। वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरेंद्र सिन्हा समेत कईयों ने किया नव आगंतुकों का गर्मजोशी से स्वागत। इधर जेवीएम की ओर से भी आयोजित हुआ कार्यक्रम, जेवीएम से भी जुड़े कई लोग। चुनावी आहटों के बीच साहू समाज भी हुआ सक्रिय। बैठक कर चुनाव में अपनी भागीदारी को लेकर बनाई रणनीति। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से समाज के प्रत्याशी को उतारने का लिया गया फैसला। और सिरसिया के कालिका कुंज कॉलोनी में आयोजित महायज्ञ की समाप्ति पर हुआ भक्ति जागरण। भारी संख्या में जुटे श्रद्धालु, भक्ति गीतों से रात भर बनता रहा अद्भुत समा। भक्ति भाव में डूबे रहे लोग। वन विभाग कार्यालय में बुधवार को एक कार्यक्रम आयोजित की गई। इस दौरान पीर तार के लोगों को राशि उपलब्ध कराई गई। चेक पाने वाले लोग हाथियों के कहर से पीड़ित थे। पीर टार प्रखंड के जंगली क्षेत्रों में आए दिन जंगली हाथियों के उत्पात की खबरें मिलती रहती है। इसके रोकथाम के भी कई उपाय किए जा रहे हैं। अब इस दिशा में समिति बनाकर इससे बचने के उपाय किए जाएंगे, जिसके लिए आवश्यक सामग्री हेतु राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। बुधवार को इसी उद्देश्य से मोहनपुर स्थित वन विभाग के कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित कर ग्रामीणों को राशि उपलब्ध कराई गई। कार्यक्रम में बतौर अतिथि विधायक निर्भय सहबादी उपस्थित हुए। वहीं मौके पर वन विभाग गिरिडीह पूर्वी के पदाधिकारी राजकुमार शाह, राजेश कुमार, विभागीय पदाधिकारी गण के साथ साथ पीड़ित परिवारों के लोग उपस्थित थे। इस दौरान विधायक सहबादी ने कहा कि इस प्रकार की घटना में हुई क्षतिपूर्ति के लिए पहले काफी समय लगता था, लेकिन जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है। उन्होंने इसके लिए सरकार को धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि इस संबंध में नियमों का सरलीकरण कर त्वरित कार्रवाई को प्राथमिकता दिया जा रहा है। इसी के तहत आज 42 पीड़ित परिवारों को 9 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया और आगे भी यदि वन्य प्राणियों द्वारा क्षति पहुंचाई जाती है तो इसका मुआवजा वन विभाग द्वारा दिया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि हमारे और गिरिडीह प्रखंड के कुछ भाग में लगातार हाथियों का प्रकोप जनता को झेलना पड़ रहा है। हाथियों के आने के बाद काफी क्षति होती है। हमारी सरकार ने यह तय किया है कि जो भी हाथी के द्वारा क्षति होगी उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। वन विभाग को, विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि त्वरित गति से क्षतिपूर्ति की जा रही है। आज इसी संदर्भ में वन विभाग के विश्रामालय में आज लगभग 40 लोगों को हाथियों से हुई क्षतिपूर्ति का चेक दिया गया। अधिकतर इसमें पीटार प्रखंड के और गिरिडीह के कुछ भाग हैं, पुलची है और जसपुर जैसे इलाके हैं। पूरे जिले में ईस्ट जोन का जो है, ईस्ट जोन में ज़्यादा प्रकोप रहता है और ईस्ट जोन के जो हमारे वन क्षेत्र है उसके द्वारा आज ये चेक प्रदान किया गया है। मैं सिर्फ इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को क्षतिपूर्ति मिली है यथाशीघ्र उनकी आवश्यकता पूर्ति कर लें और हाथियों को भगाने के लिए जो अभियान चल रहा है उसमें सहयोग करें। वर्तमान में जो हाथी जो क्षति हुई है इसमें 42 परिवार प्रभावित हुए। कुल 9 लाख रुपए की चेक विभिन्न परिवारों को क्षतिपूर्ति के बदले में दी गई है। जहाँ तक हाथी के ये जाने आने का रास्ता है, इस बार 25 समिति को, वन सुरक्षा समिति को चिन्हित की गई है। उनके प्रत्येक के अकाउंट में 20 से 25 लाख रुपया जमा की जाएगी, जिससे स्वतः वो लोग अपने सक्षम हो पाएंगे कि जब हाथी आते हैं तो अपने बचाव कर सके, उसको भगा सके, गांव में नहीं आने दिया जाए। उनको मटेरियल, उसके अलावा जो भी टीम वन विभाग से भगाने का दर,
और आवश्यकता पड़ी तो बाहर से भी टीम का हाथी को उनको प्रकोप से बचाया। कांग्रेस भवन में बुधवार को जिला युवा कांग्रेस द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कई युवाओं ने कांग्रेस का दामन थामा। गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस की ओर से बुधवार को कांग्रेस भवन में कार्यक्रम आयोजित कर लगभग 200 युवाओं को पार्टी में शामिल कराया गया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिन्हा उपस्थित हुए। यहां युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष राय के नेतृत्व में इरफान खान उर्फ छोटू खान के साथ लगभग 200 युवाओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सभी ने कांग्रेस पार्टी के नीति सिद्धांतों को मानते हुए कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने की बातें कही और राहुल गांधी को अगले प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान युवा जिला अध्यक्ष संतोष राय ने मोहम्मद इमरान खान को गिरिडीह विधानसभा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया और 15 दिनों के अंदर अपनी कमेटी बनाकर जिला कार्यालय को रिपोर्ट सुपुर्द करने का निर्देश दिया। इस दौरान नरेंद्र सिन्हा व अन्य नेताओं ने कहा कि युवाओं को जोड़ने से निश्चित रूप से पार्टी मजबूत होगी और आने वाला चुनाव में कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा। यह इस कार्यक्रम में मोहम्मद शकील, मोहम्मद मित्तल, गणेश कुमार, मोहम्मद शेरू, शाहरुख खान, सूरज सिंह, मोहम्मद तौहीद, इकबाल मोहम्मद रेहान, राजकुमार सिंह, मोहम्मद मोनू खान, शमशाद खान, सरफराज अंसारी, शमशेर अली, रियाजुद्दीन, हनी खान, एमडी फिरोज समेत काफी संख्या में पार्टी से जुड़े लोग उपस्थित हुए। गिरिडीह के काफ़ी नौजवान युवा साथियों ने युवा कांग्रेस का दामन थामा है और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए संकल्प लिए हैं कि आने वाले दिन में जो चुनाव हैं या संगठन है उसमें इन लोग मिल के काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। राहुल गांधी जो झारखंड में आए उसका प्रभाव है कि लोगों में ज़्यादा जागरूकता आ रहा है कि राहुल गांधी को के साथ जुड़े, उनके नीति सिद्धांतों के साथ जुड़े। उसी से सब प्रेरित होकर छोटू खान और क्या लिखते हो ना इमरान खान के नेतृत्व में आज सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। युवा कांग्रेस संतोष राय के नेतृत्व में गिरिडीह युवा कांग्रेस कार्यालय में सैकड़ों युवाओं ने कांग्रेस पार्टी की नीति और सिद्धांतों को मानते हुए युवा कांग्रेस को ज्वाइन किया है। आने वाला चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये स्टेप लिया गया है। पार्टी को मजबूत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ा जा रहा है और ये हमारा एक ये रोजगार कार्ड जो हमारे मैनिफेस्टो का प्राइम मैटर है ये हम लोग आज युवाओं के बीच में बांटेंगे। इसमें उच्च शिक्षा, पढ़ाई के लिए न्यूनतम दर, ये सारी सुविधाएं कांग्रेस की अगर सरकार आती है तो हम लोगों युवाओं को ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे और इसी के तहत ये प्रोग्राम आज का रखा गया है। समर्थन करने हम आए हैं और हमारे साथ जितना भी युवा हमारे साथ है सब मिलकर समर्थन करेंगे कांग्रेस पार्टी कांग्रेस का नीति सिद्धांत को मानेगा, कांग्रेस नीति सिद्धांत को मानेगा। साहू समाज भवन में बुधवार को तैलिक साहू समाज द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। मौके पर समाज के कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद। तैलिक साहू समाज द्वारा बुधवार को साहू समाज भवन में एक प्रेस वार्ता सह विचार मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर जिला अध्यक्ष उमा चरण साहू, राजनीतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मनोज साहू, प्रमोद साहू, संजीव साहू, अशोक साहू, सुरेश साहू, सीताराम साहू, कमलेश साहू, छोटा नागपुर प्रमंडल के अध्यक्ष अरविंद साहू आदि मौजूद थे। बताया गया कि आगामी चुनाव में साहू समाज की ताकत का एहसास कराने सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करने को लेकर यह प्रेस वार्ता की गई है। साथ ही बताया कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में साहू समाज की जनसंख्या 3.5 लाख से भी अधिक होने के बावजूद राजनीतिक पार्टियां उन्हें तरजीह नहीं दे रही है जिससे उनमें काफी रोष है। इसलिए यदि कोई पार्टी आगामी चुनाव में साहू समाज के किसी एक उम्मीदवार को टिकट नहीं देती है तब वे अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे।
जिससे चुनावी नतीजे साहू समाज के हक में हो सकते हैं। इधर उम्मीदवार के रूप में युवा नेता शिवनाथ प्रसाद साहू का चयन सर्वसम्मति से किया गया। वहीं मौके पर युवा नेता ने हर तबके के लोगों को चुनाव में उनका साथ देने का आह्वान किया। क्योंकि पूर्णिमा लोकसभा में तेली साहू सभा तेली समाज से लगभग 4.25 लाख कुल मतदाता में से आता है, और अगर 22 को मैं जोड़ दूंगा तो 45% हम कोडरमा लोकसभा में मतदाता के रूप में उभर के आते हैं। इसलिए मुझे हक और अधिकार है कि समाज के अग्रणीय जात होने के नाते हमें टिकट दें, खास करके भाजपा गठबंधन में कांग्रेस जेएमएम आरजेडी जेवीएम जो भी दल हमें देगा, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि उस उम्मीदवार को जिता के मैं अधिक से अधिक वोट देकर जिता के भेजूंगा। इसके अध्यक्षता में कोडरमा लोकसभा के बारे में चर्चा के लिए बैठे हुए थे। आज हम लोग जितने भी झारखंड में पार्टियां हैं, कोडरमा लोकसभा के लिए हम लोग अपने समाज से दावेदारी की मांग कर रहे हैं। अगर कोई भी पार्टी हमारे समाज की अधिक जनसंख्या रहने के बावजूद भी राजनीति में जो भागीदारी उन्हें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। मुख्य रूप से कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में 3.5 लाख प्लस हमारी जनसंख्या है, हम और हमारे जो जनसंख्या है उसके आधार पर कोई भी राजनीतिक पार्टी समाज के लोगों को कोई तरजीह नहीं दे रही है, जिससे बाध्य होकर के हम 2014 में चुनाव लड़े थे और समाज का और भी पिछड़ा दलित शोषित वर्गों का सहयोग रहा था और मुझे अच्छा सम्मान मिला था, और इस बार भी हम कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव मैदान में रहेंगे और हम कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की जनता दलित शोषित पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक जो भी हैं उन सभी समाज से हम निवेदन करेंगे, अपील करेंगे, अनुरोध करेंगे कि आप हमें एक बार सेवा करने का मौका दें। कलिका कुंज मंदिर में आयोजित भक्ति जागरण कार्यक्रम का मंगलवार को समापन हो गया। इस दौरान माहौल भक्ति में रहा। सिरसा स्थित कलिका कुंज कॉलोनी मंदिर में आयोजित यज्ञ के समापन मौके पर मंगलवार देर रात भव्य भक्ति जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर बाहर से आए कलाकारों ने नाटक प्रस्तुत कर माहौल को भक्ति भाव से भर दिया। सभी कलाकार देवताओं के रूप में अपनी प्रस्तुति दे रहे थे। बताया गया कि कलिका कुंज मोहल्ले में नवनिर्मित शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के समापन मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए थे। यहाँ झूमते नाचते हुए महिलाओं ने भी इस भक्ति जागरण में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस बाबत आयोजक समिति के व्यवस्थापक निरंजन राय व उपेंद्र शर्मा ने बताया कि पिछले 27 तारीख से मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसका समापन मंगलवार को हवन भव्य भंडारा और भक्ति जागरण के साथ हो गया।
आयोजित किया गया। इस दौरान प्रतियोगिता भी आयोजित की गई जिसमें कई स्कूली बच्चों ने भाग लिया। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की ओर से कार्यक्रम आयोजित कर बुधवार को स्कूली बच्चों का उत्साह वर्धन किया गया। इस दौरान वेस्ट टू वेल्थ नाम से एक प्रतियोगिता आयोजित कराई गई जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। बताया गया कि 9 से 12 साल तक के बच्चे बेकार चीजों से बेहतर और उपयोगी वस्तु बनाने की इस प्रतियोगिता में शामिल हुए। इस प्रतियोगिता में बच्चों का उत्साह पूरे उफान पर दिख रहा था। बच्चों ने कई आकर्षक सामग्रियां बनाकर अपनी रचनात्मकता का परिचय दिया। बताया गया कि फिलहाल स्कूलों में परीक्षाएं समाप्त हो चुकी है और बच्चे खाली बैठे हैं। ऐसे में उनके प्रतिभा को निखारने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम की सफलता में प्रेरणा शाखा की अध्यक्ष कविता राजगढ़िया, सचिव लक्ष्मी शर्मा, मीडिया प्रभारी श्वेता शर्मा, आशा खंडेलवाल, वंदना मोदी, स्नेहा केडिया, अर्चना केडिया, सरिता मोदी, किरण झुनझुनवाला, संगीता अग्रवाल, रीमा अग्रवाल, पूनम केडिया, पूनम अग्रवाल आदि लगी हुई थी।
से सीखा आपने? ये मैंने नेट पे देखा था, तो मैंने इसे क्या क्या सामान लगा हुआ स्टेज? इसमें प्लास्टिक बॉटल, वुडन स्टिक, रबर बैंड। स्कूल के बंद हो गया है तो बच्चे लोग बोर हो रहे हैं, तो हम लोगों ने बच्चों को मनोबल बढ़ाने के लिए कि वो बोर नहीं हो, खाली समय के क्या उपयोग ले सकता है, इसलिए हम लोगों ने वेस्ट मटेरियल, जैसे घर में सामान पड़ा है तो वेस्ट मटेरियल से क्या बन सकता है और उससे उसका फ्यूचर, मतलब वो आगे अपना उसमें देख सकता है, तो इसलिए वेस्ट मटेरियल से हम लोगों ने सामान बना के प्रोजेक्ट रखा। तो इसमें 15-16 बच्चे लगभग आए हैं और बहुत बहुत बढ़िया कर रहे हैं बच्चे लोग। कभी कोई तो फोटो फ्रेम बनाया है, कोई माचिस मैच बॉक्स से ड्रेसिंग टेबल बनाया, बहुत अच्छा अच्छा बना रहे हैं बच्चे लोग, तो इससे बच्चे लोग का बहुत मन बढ़ेगा। जो अगर वो खाली समय बैठे, उसको खाली समय को उसको उपयोग में लाने को बताइए कि तुम खाली समय, आजकल सारा दिन मोबाइल में बैठे रहते हैं, कभी गेम खेलते कभी नहीं, वो करें टीवी भी देखें मोबाइल भी खेलें, वो मना नहीं करूँगी क्योंकि वो आज का आधुनिक ज़माना, लेकिन उसको जैसे हमारे टाइम था तो वो भी सिखाइए। हर हम जैसे हमारे माँ बाप हमें सब चीज़ सिखाए थे, जैसे हम जैसे आज के युग के नहीं है लेकिन हम भी मोबाइल चला रहे हैं, तो वैसे बच्चों को हम अपने ज़माने का नहीं बताएंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो वो मैं माँ बाप से कहना चाहूँगी कि बच्चों को मोबाइल और इंटरनेट देने के अलावा भी बच्चों को अपने ज़माने का सब कुछ बताइए कि हम अपने ज़माने में ये सब करते हैं, तो उन्हें कैसे पता चलेगा। अम्बेडकर भवन में बुधवार को झारखंड विकास युवा मोर्चा जिला कमेटी की बैठक की गई, मौके पर कई पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। झारखंड विकास युवा मोर्चा जिला कमेटी की एक बैठक बुधवार को अंबेडकर भवन में की गई। इस बैठक की अध्यक्षता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष महेंद्र वर्मा कर रहे थे। वहीं मौके पर युवा मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष उत्तम यादव, महासचिव पवन साव, सचिव बुलेट देव, प्रवक्ता एजाज अहमद सोनू, प्रखंड अध्यक्ष राकेश राणा आदि उपस्थित थे। इधर जिला अध्यक्ष महेश राम, केंद्रीय कार्य समिति सदस्य दिलीप वर्मा, चुन्नू कांत, राजेश जायसवाल, अजय रंजन सिंह, दीपक वर्मा, अविनाश शनकार, मनोज सिंह, मनोज मौर्य सहित कई पार्टी कार्यकर्ता भी बैठक में शामिल रहे। बताया गया कि आगामी चुनाव को दृष्टि में रखते हुए गिरिडीह के सभी प्रखंडों में पद यात्रा को लेकर आवश्यक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पद यात्रा सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा करते हुए आवश्यक निर्णय लिए गए और आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। वहीं मौके पर पार्टी कार्यकर्ता दीपक श्रीवास्तव के नेतृत्व में दर्जनों लोगों ने झा विमो की सदस्यता भी ग्रहण की। चलिए, दो चार विधानसभा और कोडरमा और हजारीबाग का एक एक विधानसभा, मतलब 6 विधानसभा ये पड़ता है कोडरमा लोकसभा में। और हम लोग झारखंड विकास मोर्चा के सुप्रीमो आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी झारखंड विकास मोर्चा महागठबंधन के प्रत्याशी होंगे, तो हम लोग उसी को तैयारी को लेकर कि भाई जंग में अगर कोई नज़र आता है तो युवा नज़र आता है, और युवाओं को किस तरह मार्गदर्शन दिया जाए, कैसे हम लोग इस चुनाव की रणनीति बनाई जाए, कैसे इस चुनाव को जीता जाए, उसी को लेकर आज हम लोग रणनीति बना रहे हैं। और हम लोग बहुत जल्द इस 6 विधानसभा का हम लोग पद यात्रा पर निकलेंगे और हम लोग प्रत्येक घर में लोगों के बीच में जाएंगे, और जो कोडरमा लोकसभा में गिरिडीह के क्षेत्र में जो समस्या है उस समस्या को लेकर हम लोग निदान कराने का प्रयास करेंगे। साथ यहाँ बैठे युवा साथियों ने आज यह तय किया है कि प्रखंडवार बैठक कर और प्रखंड से हर प्रखंड में पद यात्रा कार्यक्रम चलाएंगे और सत्ता परिवर्तन की जो लहर कोडरमा में चल रही है उसको हम लोग व्यापक रूप देने का काम करेंगे। आप लोगों के माध्यम से हम उन लोगों को बतलाना चाहते हैं जो बाबूलाल मरांडी के खिलाफ भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मुस्लिम विरोधी है बाबूलाल मरांडी, अल्पसंख्यक विरोधी है बाबूलाल मरांडी। आज आप लोगों के माध्यम से उन लोगों को बतलाना चाहता हूँ कि जो लोग यह प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि अल्पसंख्यक विरोधी है बाबूलाल मरांडी, उनके एक लौते विधायक ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग जो किया वह भाजपा के पक्ष में किया, इससे यह सिद्ध होता है कि कौन लोग अल्पसंख्यक विरोधी हैं।
इस तरह के बहकावे में अब जनता आने वाली नहीं है। कोडरमा की जनता बदलाव चाहती है। कस्तूरबा विद्यालय में बुधवार को बाल समागम सह कस्तूरबा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर जिले भर से कस्तूरबा विद्यालय के छात्राओं का जुटान हुआ। झारखंड शिक्षा परियोजना के तत्वाधान में बुधवार को चैताडी स्थित कस्तूरबा विद्यालय में बाल समागम सह कस्तूरबा संगम 2019 का आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में जिले के सभी कस्तूरबा विद्यालय की छात्राएं उपस्थित हुई। कार्यक्रम में बतौर अतिथि जमुआ विधायक केदार हाजरा, जिला परिषद उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, संसद प्रतिनिधि यदुनंदन पाठक, भाजपा नेता संजीत सिंह पप्पू आदि उपस्थित हुए। वहीं मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी पुष्पा कुजूर, DSC कमला सिंह, सर्व शिक्षा अभियान के अभिनव कुमार सिन्हा, शिक्षक मुन्ना कुशवाहा समेत अन्य कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम से पहले अतिथियों का स्वागत खूब गर्मजोशी से किया गया। बाद में पारंपरिक रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ कराया गया। वहीं स्कूली छात्राओं ने शानदार रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। मौके पर बच्चों ने विज्ञान कौशल को प्रस्तुत करते हुए एक प्रदर्शनी भी लगाई। अतिथियों ने घूम घूम कर इस प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। बताया गया कि ऐसे आयोजनों से बच्चों की प्रतिभा को निखारने में सहायता मिलती है। मैंने तो पहले ही मजा लिया है। थोड़ी तालियां और जोर से बज जाए एक बार और। हो गया भैया, हो गया, हो गया। बंद हो गए। शांति ओम शांति शांति। थोड़ी सी ताली बजे ना और, क्योंकि अब तक ये दिया जल ही रहा है। बहुत ही इधर साथ भी आ रही है, हम तक भी आ रही है, तो तालियां जोर से होनी चाहिए। तो जिला स्तर पर हमारा शायद 12-15 एग्जाम के चलते ये हम लोग डिसाइड नहीं कर पाए थे, जिसके चलते आज ये हो रहा है। और आज इसके अंतर्गत हमारे जो कस्तूरबा की बच्चियां हैं वो विज्ञान प्रदर्शनी लगाई है। हमारे कस्तूरबा के बैंड पार्टी आज प्रदर्शित किए हैं। और आज इस मंच पर जो प्रखंड स्तर पर जो भी प्रतिभागी फर्स्ट सेकेंड थर्ड हुए हैं, आज उनको पुरस्कृत किया जाएगा। और आज भी जितने भी ओकेजन हो रहे हैं उन पर से चयनित होकर के फिर वो राज्य स्तर पर सम्मिलित होंगे। आज हम सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो अंत में नजर डालते हैं हमारी आज की सुर्खियों पर। गजराजों के आतंक से तबाह हुए लोगों को मिली राहत। वन विभाग कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर पीड़ितों को प्रदान किया गया चेक। सदर विधायक के हाथों तीर टाड़ के 42 पीड़ितों को दिया गया चेक। हाथियों के कहर से बचाव की भी बनी रणनीति। कांग्रेस भवन में युवा कांग्रेस ने आयोजित किया कार्यक्रम। सैकड़ों लोगों ने थामा पार्टी का दामन। वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरेंद्र सिन्हा समेत कईयों ने किया नव आगंतुकों का गर्मजोशी से स्वागत। इधर JVM की ओर से भी आयोजित हुआ कार्यक्रम। JVM से भी जुड़े कई लोग। चुनावी आहटों के बीच साहू समाज भी हुआ सक्रिय। बैठक कर चुनाव में अपनी भागीदारी को लेकर बनाई रणनीति। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से समाज के प्रत्याशी को उतारने का लिया गया फैसला। और सिरसिया के कालिका कुंज कॉलोनी में आयोजित महायज्ञ की समाप्ति पर हुआ भक्ति जागरण। भारी संख्या में जुटे श्रद्धालु भक्ति गीतों से रात भर बनता रहा अद्भुत समा। भक्ति भाव में डूबे रहे लोग। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक दिन से हमारे पूरे टीम को इजाजत। नमस्कार।